हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू इन्फोटेक। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है गूगल फॉर्म के ऊपर में, यानी गूगल फॉर्म के जरिए जो है आप जो है ई सर्टिफिकेट यानी ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसकी क्या सेटिंग है, उसकी सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर पर जान लेते हैं किस तरीके से जो है गूगल के थ्रू आप जो है गूगल फॉर्म के थ्रू ई सर्टिफिकेट जो है ऑटो जनरेट ई सर्टिफिकेट की सेटिंग कर सकते हैं और आपके वेबिनार मीटिंग या फिर आप जो भी कोर्सेस ले रहे हैं उनके कोर्सेस के सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो लोग ट्रेनर थे, यानी जो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे या फिर जो जिन लोगों ने जो है इसके अंदर में अप्लाई किया था, एनरोल किया था, उनको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किस तरीके से करना है वो सेटिंग इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हमें जो है ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके लिए गूगल के ऊपर यानी जीमेल के ऊपर में आपका खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे ही हम अकाउंट लॉगिन करते हैं तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद जो है आपको जाना होता है यहाँ पे, यानी ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहा है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको जाना है गूगल ड्राइव बटन पे। गूगल ड्राइव बटन पे जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको सबसे पहले न्यू बटन पर क्लिक करना है। न्यू बटन पर एक फोल्डर आप क्रिएट कर लें ताकि आप उस नाम से फोल्डर बना सके जो आपका वेबिनार है या फिर सेमिनार है या फिर आपका वर्कशॉप है। वर्कशॉप हम नाम दे देते हैं और क्रिएट फोल्डर हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसके बाद में आपको जो है एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जो आप सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया हुआ हो, जिस तरीके से भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं या जिस तरीके से आपने डिज़ाइन कर रखा हो। एग्जांपल के तौर पे सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट आपको बनाना है या सर्टिफिकेट आपने बना रखा है। तो जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट आपके पास में या तो कोरल ड्रॉ का होना चाहिए या फिर इस तरीके का पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर आपके जो है जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको उस सर्टिफिकेट के अंदर में जो है कुछ कॉलम्स को जो है ब्लैंक रखना पड़ता है और वो होता है आप या तो ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट ले या फिर वहाँ से टेम्पलेट्स लेकर भी हम वहाँ से कर सकते हैं आगे, जैसे कि हम देखेंगे। डिज़ाइन आपके पास में डिज़ाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नंबर फोर जो पॉइंट आता है वो है डिज़ाइन सर्टिफिकेट इन गूगल स्लाइड। डिज़ाइन सर्टिफिकेट इन गूगल स्लाइडर के अंदर में एक सर्टिफिकेट होता है। जब हम जो है गूगल के अंदर में अपना एक फॉर्म पार्टिसिपेशन का एक फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे ही हम वो सर्टिफिकेट को जो है देख सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव के अंदर में हमारा जो फोल्डर है, हमने न्यू फोल्डर बनाया था, उसका नाम रखा था वर्कशॉप। क्रिएट फोल्डर हमने कर दिया। यहाँ पे फोल्डर बनने के बाद जो है देखिए आपका एक फोल्डर आपका तैयार हो चुका है। अब जो है इस पर हमें डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर में जाने के बाद जो है आपको एक नया जो फॉर्मेट स्टार्ट करना होता है वो माई ड्राइव के अंदर में हम जाएंगे। जैसा कि वर्कशॉप हम ले लेते हैं, फिर वर्कशॉप के अंदर जो है आपको एक स्लाइड क्रिएट करनी है या फिर आपको उसके अंदर में एक फॉर्म क्रिएट करना होता है। वो फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। न्यू पे हमें क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद में मोर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। मोर ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म या फिर टेम्पलेट फॉर्म हम यहाँ से ले सकते हैं। हम लेते हैं एक फॉर्म, हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं जो भी जिस तरीके से फॉर्म के मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि गूगल फॉर्म किस तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ। वो देते हैं फुल नेम, फुल नेम हम यहाँ पे दे देते हैं शॉर्ट में। सेकेंड ऑप्शन देते हैं मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। शॉर्ट में ही हम ले लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने लिख लिया। अब इस चीज़ को याद रखें कि इसे जो है रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी जो है रिक्वायर्ड ज़रूरी के जो ऑप्शन है इसे हमने ऑन रखना है। फिर सेकंड ऑप्शन था इसे भी हमने ऑन रखना है। थर्ड ऑप्शन डाल देते हैं हम कॉलेज नेम या स्कूल नेम जो भी आप देना चाहते हैं। इससे भी जो है आप जो है ये ऑप्शन को ऑन रखें ताकि उसके अंदर में जो है फॉर्म आपका सही तरीके से भरा जा सके। स्टार मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, ज़रूरी फील्ड है। तो मैंडेटरी फील्ड के लिए रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है उसे हमें ऑन रखना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी आपने वेबिनार लिया था तो आपके राय के बारे में हम देख लेते हैं कि व्हाट अबाउट वर्कशॉप।
फर्स्ट ऑप्शन डाल देते हैं हम इसके अंदर गुड, सेकंड ऑप्शन वहाँ पे डाल देते हैं बेटर, बेस्ट, बेटर, नन, इस तरीके से हमने ऑप्शन डाल दिया। फिर ऑप्शन हम ले लेते हैं और भी कुछ यहाँ पे डाल देते हैं हम सिटी नेम, इसे भी जो है मैंडेटरी फील्ड रखते हैं। उसके बाद में हम डाल देते हैं या फिर और कोई ऑप्शन डाल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो भी हमें ऑप्शन डालना है वो हम डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें सेंड बटन का ऑप्शन मिलता है, इसे हमने कॉपी करना है ये ऑप्शन को, इसे हम शॉर्ट लिंक भी बना सकते हैं, जिसे हमने क्लिक किया शॉर्ट लिंक पे, क्लिक करने के बाद में कॉपी कर लेना है और उसे जो है हम व्हाट्सएप पे या फिर जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब उस लिंक को हमें कॉपी किया था, यहाँ पे हम इसे शेयर कर देते हैं और शेयर करने के बाद जो है वो जो भी बंदा है वो उसे फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद जो है उसकी पूरी डिटेल जब वहाँ पे आएंगी तो वो फॉर्म के साथ साथ में सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हमने फॉर्म बना चुके हैं, अब यहाँ पे गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन या फिर गूगल फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन का जो फॉर्म हमने बनाया यहाँ पे दे चुके हैं। एक फॉर्म होता है कि आपका इन्विटेशन का फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्म। तो सर्टिफिकेट फॉर्म जिस तरीके से भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट रिस्पांस शीट के अंदर में हमें जाना होता है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। ये देखिए आपका ये ऑप्शन आ चुका है, अभी यहाँ पे हमें इसे बंद करेंगे। यहाँ पे हमें जाना है रिस्पांस बटन पे और रिस्पांस बटन पे क्लिक करने के बाद में देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट का जो ऑप्शन है इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसका एक नाम देते हैं हम वर्कशॉप नाम से, और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ऐड ऑन ऐड करना है इस शीट के अंदर में। ऐड ऑन किस तरीके से करना है वो हम देखें। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फुल नेम, मोबाइल नंबर, कॉलेज नेम वगैरह, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब जो है यहाँ पे हम ऐड ऑन बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑन बटन पे क्लिक करने के बाद में जो है आपको यहाँ से गेट ऐड ऑन बटन या फिर इसे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऐड ऑन बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑन बटन पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑटो कार्ट नाम का एक ऐड ऑन बटन होता है, वो हमें यहाँ से ले लेना है या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ऑटो कार्ट, इस ऑप्शन को हमने लेना है। ये हमने ऑप्शन ले लिया और ये ऑप्शन लेने के बाद में जो है इसे हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कंटिन्यू हम करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछेगा आपको किस अकाउंट पे इसे सेव करना है। तो यहाँ पे हमने उसी अकाउंट को ले लिया जो अकाउंट हम परमानेंटली रखना चाहते हैं। अलाउ परमिशन हमें कर देनी है। अलाउ परमिशन करने के बाद जो है आपका जो ऐड ऑन है ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऐड ऑन ऐड होने के बाद में सर्टिफिकेट किस तरीके से जनरेट करना है वो यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। वीडियो को थोड़ा सा आप केयरफुली देखें, थोड़ा सा इसके बाद में जो है मैं आपको और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें ई सर्टिफिकेट, ई कार्ड सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाते हैं वो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जो आप सेमिनार के लिए या फिर आपको ये छोटा मोटा इंस्टीट्यूट चलाते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसके लिए भी किस तरीके से बहुत सारे प्लगइन्स है, उसमें से एक प्लगइन जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ई सर्टिफिकेट नाम का, उसके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे हम डन कर देते हैं और डन करने के बाद इसे हम बंद करेंगे। देखिए ये ऐड ऑन आपका ऐड हो चुका है। अब जो है यहाँ पे आपको जाना है और मैनेज ऐड ऑन बटन पे क्लिक करना है। मैनेज ऐड ऑन बटन पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आ चुका है। अब जो है इसकी सेटिंग्स को हमें चेंज करनी होगी, इसे हम बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पे ऑटो कैड ओपन करेंगे। हम ऑटो कैड ओपन का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें मिलता है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो है इसके अंदर में कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। एग्जांपल के तौर पे जो आपने फॉर्म बनाया था उसके अंदर में आप क्या डालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे वन बाय वन ऐड करना है। न्यू जॉब नेक्स्ट कर देंगे यानी न्यू जॉब पर क्लिक करेंगे। आपका वर्कशॉप यहाँ पर हम दे देते हैं जो भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पे क्रिएट एग्जांपल या एग्जांपल्स पे हमें क्लिक करना है या ड्राइव से हम ले सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल वाला फॉर्म ही यहाँ से सर्टिफिकेट ही यहाँ से हम ले लेते हैं। oh, yeah.
इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ देर रुकना है, लोडिंग पेज फॉर प्रीवियस यहाँ पे दिखा रहा है, ऐड ऑन टेम्पलेट का बटन आपको आ चुका है, इस पर हमें क्लिक करना है। डेमो वर्जन आपको यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, यहाँ से हम डाल सकते हैं वेलकम टू ऑटोकैड, यहाँ पे हम डाल सकते हैं सर्टिफिकेट, या फिर हम एक टेम्पलेट यहाँ से ले लेते हैं, कोई एक टेम्पलेट यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं फॉर ड्राइव, और यहाँ से एक सैंपल या एग्जांपल जो भी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, पहले फिचिंग टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर जा रहा है, यानी आपका जो ऑटो कार्ड है वो एक सर्टिफिकेट के जो टेम्पलेट्स है उसके अंदर में जाएगा, वहाँ से हम टेम्पलेट जो है सेलेक्ट कर कर वन बाय वन लेंगे। जैसा कि यहाँ पे फॉर्म आपका जनरेट हो चुका है, अब जो है आपको यहाँ पे जाना है गूगल स्लाइड के अंदर में, यानी गूगल का जो फॉर्म है उसके अंदर में गूगल स्लाइड जो ऑप्शन है उस पर हमें जाना है, क्योंकि यहाँ से हमें जो है एक नया फॉर्म लेना है। तो फॉर्म टेम्पलेट्स का बटन जो है आपको मिलता है वहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको क्रिएट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक सर्टिफिकेट मैं जनरेट कर लेता हूँ। बहुत सारे सर्टिफिकेट का जो है टेम्पलेट्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, या फिर आप जो है अपने हिसाब से एक नया सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमें प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ से जो है आप नया एक सर्टिफिकेट जो है आपके कंप्यूटर से ले सकते हैं। अपलोड यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो है हम एक नया सर्टिफिकेट ले लेते हैं जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कोई भी एक सर्टिफिकेट जो हमने बना रखा है गूगल के अंदर में, या फिर जो भी आपने बना रखा है ये हम ले लेते हैं। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर में हमको कुछ फील्ड ऐड करनी है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, सबको ब्लैंक कर देंगे हम। और यहाँ पे सर्टिफिकेट को हमें जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, नेम डाल सकते हैं हम जो भी डालना है आपको, और वो सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ से हम ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे जाएंगे हम न्यू पे, उसके बाद में स्लाइडर पे जाएंगे, स्लाइडर पे जाने के बाद में ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने ले लिया, अब इसे जो है हम डिलीट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे उसको हम डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में एक या तो हम यहाँ से कोई टेम्पलेट ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं टेम्पलेट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो आप यहाँ से अपलोड कर कर जो है एक अपना नया सर्टिफिकेट वहाँ से जो आपने डिज़ाइन कर रखा है उसे ले लें, और इसे इस तरीके से सेट कर ले। इस चीज़ का याद रखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सर्टिफिकेट का नाम वगैरह सब आपको लिख देना है, नीचे की लाइनिंग लिखने है, सिग्नेचर भी आपको लिखने है, डेट जो है आप पेन से डालना चाहते हैं या फिर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे आपको जो है मेन चीज़ है वो है नेम वगैरह डालना, जो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा वो चीज़ आपको प्रॉपरली ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है फील्ड ऐड करनी है, साइन वगैरह आ चुके हैं, डेट वगैरह हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हम फील्ड ऐड करते हैं फुल नेम, क्योंकि जनरली होता ये है कि जो हमने फॉर्म में रखा है वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। फर्स्ट कॉलम लेस देन फुल नेम ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, यानी आपको दोनों कॉलम पैक करने हैं इस हिसाब से, क्योंकि जो कॉलम में हमने जैसे कि फॉर्म यहाँ पे बनाया था तो फॉर्म का जो रिस्पांस था फर्स्ट हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया था फुल नेम, तो यही नाम वहाँ पे आपको डालना है जो आपके सर्टिफिकेट में आ जाए। और ये डेट वगैरह भी आप जो है आप अपने हिसाब से डाल दें, या फिर आप डेट की जगह डेट के कॉलम की जगह डेट डाल सकते हैं। अब ये हमने डाल दिया, अब यहाँ पे जो है सेकंड कॉलम आपको ऐड करना है वो डेट का, तो जिस डेट को आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके से लिखना है, टू टाइम्स जो है लेस देन और टू टाइम ग्रेटर देन, और इसको यहाँ पे हम रख देंगे। तो फुल नेम की जगह पे फुल नेम आएगा। अब इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आप इसे जो भी साइज़ देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, यहाँ पे साइज़ प्रॉपरली आपको रखनी है।
उसके बाद जो है इसे हमें जो है सेव कर देना है। ये सेव ऑटोमेटिकली ये हो चुका है, इसी जगह पे सेव हो चुका है। अब जैसा कि हमने फॉर्म क्रिएट किया, सबसे पहले फुल नेम हमने डाल दिया, उसके बाद में जो है मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद कॉलेज नेम, आपका सेमिनार की डिटेल के आपको कैसा लगा उसकी रिस्पांस, उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट का एक कॉलम हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम जो है शॉर्ट में भी ले सकते हैं, शॉर्ट आंसर यहाँ पे जिस हिसाब से भी वो लिखना चाहेंगे वो ले सकता है। उसके बाद में यहाँ से हमें कॉपी करना है इस लिंक को, शॉर्टकट बना लेना है, और यहाँ पे जाकर आपका जो गूगल अकाउंट है उसके ऊपर में, या फिर आपका जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर में हम सेंड कर दे। जैसा कि यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ एक बंदे को, और सेंड करने के बाद में वो बंदा जब, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो फॉर्म भरेगा, और फॉर्म भरने के बाद में जो है उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, फिर हम इसे बंद करते हैं। अब जो है मेन ऑप्शन है वो, जैसा कि हम एड ऑन की सेटिंग देख रहे थे वो है, और रिस्पांस के अंदर में इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि सेटिंग यहाँ से करनी है, जैसे कि एड ऑन सेटिंग मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि किस तरीके से आपको एड ऑन सेटिंग करनी है। जैसे देखिए टेम्पलेट फुल नेम आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, कॉलेज नेम आ चुका है, व्हाट्स और डेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यानी इसी तरीके से आपका जो फॉर्म है बनना ज़रूरी है। अब जो मैंने ऐड ऑन ऐड किया है उसको यहाँ से ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद में देखेंगे कि उसके अंदर में जो हमने सर्टिफिकेट बनाया है वो हम देखेंगे किस तरीके से है। कुछ देर वहाँ पे आपको रुकना होगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है डेमो, और इसे हम पहले डिलीट कर देते पुराने वाले को और एक नया ऑप्शन वहाँ से लेते हैं, और न्यू जॉब पर क्लिक करना है। न्यू जॉब पे क्लिक करने के बाद हम नाम देते हैं वर्कशॉप, और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ्रॉम बटन पे हम क्लिक करेंगे, फ्रॉम ड्राइव बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो आपने सर्टिफिकेट बना रखे है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। इस पर हमें क्लिक करना है जो हमने सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद में सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में फिर जो है आपको यहाँ पे वेट करना है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब इस चीज़ को याद रखना है कि दो कॉलम आपने दी थी वो है फर्स्ट जो है यहाँ पे फुल नेम और सेकंड डेट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको करनी है वो प्रॉपरली आप करें, अगर वो आप नहीं करते तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो है रिस्पांस नहीं कर पाएगा, सर्टिफिकेट आपका सेंड नहीं हो पाएगा। अब ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मैपिंग टू सोर्स। यहाँ पे देखिए हमने जो मैपिंग टू सोर्स है वो यहाँ पे प्रॉपरली लगाना है। जैसे गूगल जो फॉर्म हमने बनाया उसके अंदर फुल नेम की जगह पे हमें फुल नेम ही चाहिए, तो यहाँ से हमें वन बाय वन सेलेक्ट करना होता है, वो प्रॉपरली आपको लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने ये सारी फील्ड अगर लगा रखी है तो ये आपका फॉर्म जो है थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है। तो अब जो है आप इसको क्या करेंगे, हम बैक जाकर उस फॉर्म को यहाँ से प्रॉपरली लेंगे, यहाँ से फॉर्म रिस्पांस बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म रिस्पांस बटन पर क्लिक करने के बाद में फिर से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपरली आया है या नहीं। वर्क डेमो ऑटो कैट, फिर से हम जो है इसे एक बार अरेंज कर लेते हैं। फुल नेम वगैरह प्रॉपरली आपको लगाना होता है। यहाँ पे इशू आ सकता है कि ऑटो हमने सेलेक्ट किया तो वो नहीं ले, तो आपने ऐसे ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो फॉर्म का आपका ऑप्शन है, वहाँ से लेने के बाद में आप जहाँ यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसे वन बाय वन कॉपी कर हम जो है इसे ले सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आ चुका है, फिर जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पे आपको फाइल शेयरिंग सेटिंग जो ऑप्शन मिलता है उसको प्रॉपरली सेट करना है। ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रॉपरली सेट करें। इस ऑप्शन में जो है आपको जो है सिंगल सर्टिफिकेट भेजना है या फिर आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट भेजना है, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। मल्टीपल आउटपुट मोड, क्लासिक मोड अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हर किसी का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, और सिंगल आउटपुट मोड अगर रखते हैं तो जिन लोगों ने भी मेल किया है उन सभी को वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में यहाँ से हमें जो है ईमेल के थ्रू भेजना है, तो यहाँ से ईमेल का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ईमेल एड्रेस इसको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देना है, यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी फुल नेम जो आपका होगा ये, फिर आप फुल नेम वहाँ पे आपको लगा दे जो भी है वहाँ पे हम देखेंगे।
जैसा कि हमने यहाँ पे इसे डिलीट किया, अब जो है हमें फुल नेम वाला जो ऑप्शन कॉलम था वो हमने यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ जाके हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे अगर आप 100 सर्टिफिकेट भेजना चाहते हैं तो एट ए टाइम भेज सकते हैं, अदरवाइज जो है आप जो है वन बाय वन सर्टिफिकेट भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में जो है सिंगल आउटपुट यानी कि जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उन सभी को सर्टिफिकेट जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ड्राइव आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जो भी आप सर्टिफिकेट जहाँ से देना चाहते हैं, जो ड्राइव से देना चाहते हैं, उसका जो सेविंग पाथ होना चाहिए तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर ले। वर्कशॉप हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से डबल क्लिक करने के बाद में देखिए ये आपका जो वर्कशॉप नाम का फाइल आ चुका है। ये देखिए आपकी जो फाइल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब जो है आपको यहाँ से चूज़ फोल्डर पे जाके आप जो है वर्कशॉप नाम का जो फोल्डर है उसके वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट को या सारे डेटा को सेव करना चाहते हैं तो हम वहाँ से ले सकते हैं और सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे ये एडिशनल ऑप्शन है, ऐड डायनेमिक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, उसके बाद में मर्ज करना चाहते हैं उससे ये भी ऑप्शनल है, उसके बाद में शेयर डॉक्यूमेंट जो करना चाहते हैं आप ईमेल के थ्रू या फिर डॉक्यूमेंट के थ्रू, वन बाय वन करना चाहते हैं या फिर आप जो है अलग अलग सभी को जाना चाहिए तो शेयर डॉक्यूमेंट बटन पे हमने यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो पीडीएफ का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आपका जो है रीशेयर का ऑप्शन को बंद कर देना है, उसके बाद में आप जो है सिग्नेचर जो है आपका रिप्लाई नो रिप्लाई बटन पे आप जो है ऑन बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर कर या फिर यहाँ से जो है ईमेल के एड्रेस डालकर कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पे आपको सभी लोगों को ईमेल करना है तो आपको यहाँ से ईमेल का जो टैब है इसे हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जितने भी लोग फॉर्म जो आपका भरेंगे तो उसको आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ईमेल पे चला जाएगा। उसके बाद में ये दोनों ऑप्शन को नो नो रखना है, रन एज अ फॉर्म ऑफ टारगेट, रन ऑन अ टाइम टारगेट, ये हम नो नो रखें, या फिर आप जो है एक जैसे ही उसने फॉर्म भरा वैसे ही उसको मिलना चाहिए तो यहाँ से हम यस कर सकते हैं, फिर जो है इसे सेव कर देंगे, ओके करेंगे, सारे ऑप्शन को वन बाय वन आपको सेव करते जाना है। यस यानी आपका जो बंदा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा तो जैसे ही उसने जो है फॉर्म भरा तो उसको जो है सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो जाएगा, चला जाएगा। ईमेल सब्जेक्ट मिसिंग बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना होगा और वो डाल देंगे हम वर्कशॉप सर्टिफिकेट पर। नेक्स्ट और फिर सेव कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपको कुछ देर रुकना होगा तो फॉर्म जो रिस्पांस सीट है आपकी वो यहाँ पे वर्कशॉप नाम की सीट आ चुकी है, इसे हम डिलीट कर देते, ऊपर में जो एक्स्ट्रा सीट आ चुकी थी और आपकी जो वर्कशॉप नाम की सीट है उसे हम वैसे ही रख देना है और उसके बाद में हम इसे बंद कर देते हैं। ये देखिए बंद कर चुके हैं। अब जो है मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्म भर कर दिखाऊंगा और सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होता है वो देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देते हैं इस फॉर्म को हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। सिटी ऑप्शन सबमिट, ये सबमिट कर दिए यानी आपका जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। अब जाके जाके हम चेक करेंगे आपको जो सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, ईमेल आईडी के ऊपर में आया है या नहीं, तो वो हम देख लेते हैं। एडजब नाम की हमने फोल्डर बनाया, उसके अंदर उसी के अंदर हमने एक सर्टिफिकेट जो है जनरेट किया। आपने जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था यानी ऑटोमेटिकली जो आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है ताकि आपको जो सर्टिफिकेट आ सके।
अब देखिए यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इस बटन पे, और यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन स्टार्ट था, फिर पे ऐड ऑन बटन पे हमें क्लिक करना है, ओपन यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओपन यहाँ पे ऑप्शन हमने जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है ऐड ऑन जो है ऑटो कार्ड जो स्टार्ट हुआ आपका, ऑटो कार्ड स्टार्ट होने के बाद में जो हमने इसकी सेटिंग्स की थी वहाँ पे हमने पॉज रखा था, यानी हमने नो ऑप्शन को सिलेक्ट किया था ऑटोमेटिक सेंड का। अब जो है हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर देना है, रन जॉब वर्कशॉप। यहाँ पे हमने जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए जो भी ईमेल आईडी था, जो भी ईमेल आईडी था उस पर जो है डाटा ऑटोमेटिकली यानी सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र होने तक यहाँ पे हम रुकते हैं, स्टार्ट टू ट्रांसफ़र एंड फिनिश अप। यहाँ पे आपको बता चुका है कि ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जा चुका है, किसको जा चुका है, यहाँ पे उसका नाम भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो है फिर से हम जाते हैं अपने उसी ईमेल के ऊपर में जो ईमेल आईडी हमने डाला था, और उस ईमेल आईडी पे जो है आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये आपका सर्टिफिकेट इस तरीके से आ चुका है। अगर हम वहाँ पे ऑटो रन स्टार्ट रखते थे, यस करते थे, तो वह आपको सर्टिफिकेट नहीं ऑटोमेटिकली जाता था, लेकिन हमने जो है उसे नो बटन पे क्लिक किया, जो आपको नेक्स्ट सेटिंग लास्ट की सेटिंग के अंदर मैंने बताया था। तो ये देखिए जैसे हमने रन इस पर क्लिक किया तो ये आपका आ चुका है। अब फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर में एडिट ऑप्शन के अंदर में जाकर के कौन सी सेटिंग को हमने जो है कैंसिल किया था जिसकी वजह से सर्टिफिकेट नहीं गया। वो ऑप्शन था ये, यहाँ पे अगर हम रन एज यस रखते थे तो ऑटोमेटिकली जो सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफ़र हो जाता था, हमने नो पे क्लिक किया इसलिए वो आपका सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो सारी सेटिंग्स है, इस तरीके से जो आप अपना गूगल का थ्रू जो ई सर्टिफिकेट का फॉर्म है बना सकते हैं, ई सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ई सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट का सेटिंग इसी तरीके से ऑटो एड ऑन के थ्रू या फिर आपका जो ऑटो कार्ड है उसके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बता दें। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू।